हरियाणा में चोर पकड़ने पुलिस बाबा के पास पहुंची। एएसआई ने पंडोखर दरबार में लगाई हाजिरी। बाबा बोला, क्वार्टर में सुराग, चोर पंजाब बॉर्डर पर। हरियाणा में चोर पकड़ने के लिए पुलिस बाबा की शरण में जा पहुंची। यह मामला पानीपत जिले के पुलिस लाइन में दो पुलिस कर्मियों के घर का चोरी का है। चांदीबाग थाने में तैनात पीड़ित एएसआई कृष्ण कुमार पंडोखर दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने गद्दीशीन बाबा से अपने क्वार्टर में चोरी करने वाले चोरों का पता पूछा। इसके जवाब में बाबा ने कहा कि सुराग तुम्हारे क्वार्टर में ही छुपा है। पंजाब बॉर्डर से अपराधी पकड़े जाएंगे, एक से तीन अपराधी पकड़े जाएंगे, मगर माल मिले या न मिले यह नहीं पता। जिस पर एएसआई चोर का नंबर मांगने लगा तो बाबा ने कहा कि पहले तो तुम्हारा पता करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि किसी की हत्या हो जाए और पुलिस भागीदारी में हमें बना दे। चांदीबाग थाने के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि वह जिंद के गाँव सिभा का रहने वाला है। हाल में वह पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 151 में परिवार सहित रहता है। 23 दिसंबर को उसके क्वार्टर में चोरी हो गई। सूचना मिलने पर वह क्वार्टर में पहुंचा तो क्वार्टर के मेन दरवाजे का लॉक खुला हुआ था। अंदर के कमरे का भी ताला टूटा हुआ था। अलमारी का सारा सामान, कपड़े बिखरे हुए थे। चेक किया तो अलमारी से 3,75,000 रुपए गायब थे। 10 तोला वजनी सोने की चेन लॉकेट सहित 15 तोला वजनी तीन कड़े, 3 तोला वजनी नेकलेस, 3 तोला वजनी मंगलसूत्र, 1 तोला वजनी बच्चे की सोने की चेन, 1 तोला वजनी गलसरी, 8 तोला वजनी 12 सोने की अंगूठियां व करीब 1 किलो चांदी के जेवर चोरी हो गए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।